Hey guys, welcome again to the Indian Autos Blog. मैं हूँ आपका होस्ट जतिन और मैं हूँ रॉयल एनफील्ड के डीलरशिप में जो कि साहिबाबाद में है कवर करने आया हूँ BS6 compliant रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो ये पुरानी क्लासिक की तरह ही है पर इसमें थोड़े से रॉयल एनफील्ड ने चेंज किए हैं बींग अ BS6 compliant मॉडल। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ अब एक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, पहले इसमें कार्बोरेटेड इंजन आता था। मेरे सामने जो मॉडल खड़ा है वो है क्लासिक 350 का S मॉडल जो कि क्लासिक लाइनअप में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल मॉडल है, क्योंकि इस पर आप देखेंगे तो कुछ भी फैशनेबल सा डिज़ाइनिंग वगैरह टैंक पे नहीं दे रखी है, बहुत ही नॉर्मल सा रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। और इधर क्लासिक 350 कुछ भी इसमें फैशनेबल नहीं है दिखने वाला, पर ये भी एक अलग सा लुक देता है बाइक को, काफ़ी सटल लुक है इस मोटरसाइकिल का। और इसमें आपको और अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे मेरे लेफ्ट में देखेंगे तो ये क्लासिक 350 है, ये सिल्वर कलर में है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका मैट कलर शेड है और इसमें मैट ब्लैक कलर भी आता है, और इसमें आपको फुल्ली ब्लैक कलर भी मिलेगा जिसमें आपको कुछ मॉडर्न बिट्स मिलेंगे देखने के लिए कि उसका रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग काफ़ी अच्छे से उसमें कर रखी है। अगर अब मैं इस बाइक के बारे में बात करूं तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,57,000 क्योंकि ये एस मॉडल है और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। पर जो दूसरे इसके ऊपर के मॉडल्स हैं उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। डुअल चैनल ABS का प्राइस शुरू होता है 1,65,000 एक्स शोरूम से, तो कुछ 6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है दोनों मॉडल्स के अंदर। और अगर मैं बात करूं अब इसमें कलर शेड्स की तो आपको 6 अलग अलग कलर शेड्स मिलेंगे जिसका नाम है मरकरी सिल्वर, कैश्यूनट, रेडिज रेड एंड प्योर ब्लैक। अगर मैं इंजन स्पेक्स की बात करूं तो इसकी और इसके दूसरे मॉडल सबका इंजन स्पेक्स ऑलमोस्ट एक ही हैं। ये पार लेते हैं 350cc के एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन से जो कि प्रोड्यूस करता है 19.3 PS ऑफ पावर एंड 28 Nm ऑफ पीक टॉर्क। द इंजन कम्स कपल टू ए 5-speed गियर बॉक्स। अब मैं एक बार आपको लुक्स दिखा देता हूँ कि लुक्स में क्या आपको देखने को मिलेगा। तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स कुछ भी डिफरेंट है नहीं मोटरसाइकिल्स में। आप देखेंगे कि जैसे फ्रंट में आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक फोक्स मिलेंगे, सस्पेंशन मिलेगा, यहाँ पे मेटल का मडगार्ड मिलेगा। साइड में आप जो आपका इसमें इंजन है, इस इंजन को पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट कर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, और यहाँ पे जैसे आपको पहले की तरह रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती थी। अगर मैं इसके थोड़ा और साइड में मूव करूँगा तो यहाँ पे आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट बॉक्स है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं, और इधर सारी गार्ड है। सीट्स इसकी पहले की तरह ही हैं, जो राइडर सीट है वो काफ़ी वाइड है और पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग ट्रिप्स पे काफ़ी इजी है इस बाइक को लेके जाना। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में आप देखेंगे रॉयल एनफील्ड जैसे राउंड आपको टेल लाइट मिलेगी और वही राउंड आपको कन्वेंशनल साइड इंडिकेटर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे साइड इंडिकेटर, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लंबा सा एग्जॉस्ट निकल के आ रहा है। और अगर इसमें मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको पहले की तरह ही यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर मिलेगा, ABS की लाइट आपको जली मिल जाएगी, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन पता चलेगी, यहाँ पे ये साइड इंडिकेटर्स के लिए इंडिकेशन बना आता है। और इधर आपको अगर आपकी फ्यूल कम होगा बाइक के अंदर, फ्यूल टैंक रिजर्व पे आ जाएगा तो ये लाइट जल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी मोटरसाइकिल में फ्यूल कम हो चुका है और आपको रिफ्यूल कराना है। अगर मैं टैंक की बात करूँ तो टैंक भी उतने ही साइज़ का है, थोड़ा प्रीमियम दिखता है। साइड मिरर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वही पुराने रॉयल एनफील्ड जैसे ही मिलते हैं राउंड क्रोम फिनिश में जो कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी प्रीमियम दिखते हैं। और आपको फ्रंट हेडलैम्प के अराउंड साइड्स में भी क्रोम मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। तो दोस्तों यही था मेरा रॉयल एनफील्ड BS6 350 का एक वॉक अराउंड वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आपको मैं एक बार दूसरा मोटरसाइकिल भी दिखा देता हूं जो मैट कलर में है। इसमें सीट का कलर थोड़ा डिफरेंट है, ब्राउनिश सा कलर दे रखा है और पेंट स्कीम काफ़ी अच्छी है, और साइड में आपको टैंक पैच दे रखे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आपको कैसी लगी ये मोटरसाइकिल और आप इसे ख़रीदना चाहेंगे कि नहीं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बार को ना दबाना भूलें सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए।